राम राम सभी लोगों को जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं। आज वैसे ही कैमरा उठा लिया मन करा तो, और देहरादून में हो रही है बारिश, बाहर हुई हुई है बारिश, ऊपर धनौल्टी पड़ चुकी बर्फ। मैंने सुना है 5 या 6 तारीख को पड़ जाएगी, इधर भी मसूरी भी पड़ जाएगी, जहां तक सुना है मैंने, मतलब जितनी प्रिडिक्शन की है लोगों ने उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। आजम कॉलेज तो गए नहीं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई धो नहीं रही। आज के जो सबसे बड़े टास्क हैं, एक तो ये कमरा साफ करना है, सारे कपड़े जो धुलने वाले होंगे धो दूंगा, वो भी ठंडे पानी से और वो भी इस ठंड में। तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल सितंबर अक्टूबर का व्लॉग है, लेकिन ये अभी करंट का व्लॉग है। आज तारीख है 1 फरवरी और मैं हाफ बाजू भी टी शर्ट में खड़ा हूँ क्योंकि मर्दों को कभी भी सर्दी नहीं लगती। नहीं, दिमाग से चलो, दिमाग तेज होना चाहिए, दिमाग भाई की तरह। और काफी दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे, मन ही नहीं कर रहा था। मन करेगा बंदा जब भी तो बनाएगा, मन ही नहीं कर रहा था। किचन भी साफ करेंगे, सबसे पहली बात किचन भी साफ करेंगे, ये भी साफ करेंगे, और तो कुछ नहीं। और एक चीज और मैंने सोचा क्या है, मतलब मैंने सोचा क्या है कि मैं ये बुक कंप्लीट करूंगा थोड़े दिन में। तो इसमें पहली, ये बुक का नाम है थॉट टू बिल्ड ऑन, ये बुक का नाम है। तो इसमें मैंने जो पहला चैप्टर पढ़ा ना, उसमें ये बताया गया है कि जो तुम सोचते हो वो तुम अचीव करते हो, इसलिए बड़ा सोचो, इसलिए बड़ा अचीव करो बुक के हिसाब से, और तुम्हारी थॉट प्रोसेस के हिसाब से, योर थिंकिंग पावर पावर या पार, ये आप बताओ मुझे कि दोनों में से क्या चीज़ करेक्ट है। मैं सोच रहा हूँ अभी दूध ले आऊँ जाके, फिर मैं ओटमील खाता हूँ और उसके बाद मैं निकलूँगा जिम, क्योंकि सुबह ही जिम जाके शाम को हम फ्री मिलेंगे। मैंने पहन लिया अभी जैकेट, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे धूल लेने आना और शाम और बाहर हो रही है बारिश, बारिश से बचने के लिए। पीने के लिए चाहिए था पानी, हमने दे दी अपनी बोतल पानी भरवाने के लिए नीचे, जहाँ पे मैं रेंट पर रहता हूँ वहाँ पे मेरे पास वो दिए हैं, क्या कहता हूँ, पानी, समझ जाओ, पानी का सोर्स नहीं है, मेरे शब्द नहीं आता रहा, वो क्या चीज़ हो, कैंट वगैरह वो नहीं है, तो इसलिए मैंने पानी की बोतल अभी दे दी अपनी नीचे। मैं ले लूँगा पानी, अभी मैं जा रहा हूँ गोपाल भाई की दुकान पर दूध लेने, और एक कॉफ़ी लूँगा, एक 10 रुपये का सर्फ भी लूँगा, और एक बर्तन वाला साबुन भी लूँगा, फिर हम घर वापस आ जाएंगे। मेरा दूध गोपाल भाई, तुम्हारी वीडियो बना लो, 10 वाला सर्फ, 10 वाला सर्फ भैया, 10 वाला सर्फ का रखा हुआ है। दस वाला, अरे वो दूसरे, नीले वाला, नीले वाला, नीले वाला एक्सेल टाइड में तो कम आवा यार, टाइड में आता है कम सर्फ, लेते हैं एक्सेल, ज्यादा कपड़े धो लेंगे इससे, और ब्रांड नहीं चेंज करते हम। हाँ, सामने ऊपर उधर वो धनोल्टी का पहाड़, वहाँ पे बढ़ जाएगी बर्फ। मेरे पे आ गया राजपूत का कॉल कल ही कि चल रहे बर्फ देखना, मगर देखेंगे यार, बहुत ज़्यादा वो हो जा ना, बंदा थक जा, फिर ना जिम जाने का रहता, संडे संडे को देख रहे, लेकिन जब तक तो भीड़ बढ़ चुकी होगी वहाँ, क्योंकि दुनिया को पता चली है वहाँ बर्फ़ पड़ेगी, फिर मैं थोड़ी पहले ही जाना पड़ेगा। मैं सामान लिया है वहाँ, अब मैं बनाऊँगा ओट मील अपनी। भाई मैं एक ना कॉफ़ी पीता हूँ, अभी दिखाता हूँ, उससे बढ़िया कॉफ़ी नहीं है कोई, मैं उसकी कॉफ़ी लेता हूँ आजकल,
टाटा वालों की सब बढ़िया कॉफ़ी लिया है, वो एक बार पी ली ना अपने मज़ा आ जाएगा। भाई यहाँ धूप भी निकल गई देखो, ज़्यादा धूप है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी। और बड़े बूढ़ों का कहना है कि देहरादून के मौसम से भी तेज जो की चीज पलटती है वो है देहरादून की लड़कियां, तो उन पे कभी भी विश्वास ना करें और बस जिम जाओ, जिम जाओ। ये रहा हमारा ओट्स, ओट्स डाल दिया, ओट्स में डाल लेंगे पानी। दूध उबलेगा, दूध बाहर आएगा बर्तन के तो वेस्ट ही तो होगा, दूध वेस्ट नहीं करते। दूध है 22 रुपए, 22 रुपए का लाया हूं मैं दूध अभी सुबह, वेस्ट क्यों करना। फिर हम लेंगे अपनी माचिस, दूध चढ़ा दिया गैस पे, जब ये बन जाएगा फिर दिखाता हूं। ये वाली कॉफी है जिसकी मैं बात कर रहा था। ओट्स हमारे तैयार हो चुके लगभग, अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी शुगर, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी सी टेस्ट के लिए, वरना इतना कोई नीड तो है नहीं। अगर आप ऐसे ही खा सकते हो ऐसे ही खा लो। आप इसमें हनी डाल सकते हो, जैगरी डाल लो, जैगरी का मतलब गुड़। एक लाइन थी मैं भूल गया, याद आएगी तो बताता हूँ, गुड़ के ऊपर ही थी। ओट्स हो गए हमारे तैयार, अब आकाश भैया गिरेंगे इसमें अपना सीक्रेट मसाला। ये रहा हमारा सीक्रेट मसाला, ये चीट कोड है भाई इस मील को टेस्टी बनाने का, वही वाली कॉफी जो मैंने आपको दिखाई थी। इतनी जल्दी भूल गए क्या? सजा भी थी मैंने तो डिश, इसे खा लो बस फिर चलेंगे जिम। जिस दिन उसने हाँ कर दिया ना, ये सारे फ्लावर तोड़ के उसे दे दूँगा, कितने प्यारे लग रहे हैं उसी की तरह। ध्यान ले लो, अभी हम ट्राईपॉड ले लिया, पानी की बोतल ले ली, अब हम निकल गए अपने जिम की तरफ। जिम है बस आने वाली है, वो सामने जिम है हमारी, 2 मिनट का रास्ता जिम का पैदल, वो भी अब देखेंगे पहले खुल गई होगी तो, वरना छाप भी लेंगे फिर जाएंगे। तो सुबह भाई आ गए, अब हम दोनों चल लिए जिम चढ़ना, नैनीताल में आएंगे इसके ऊपर। जिम आने का सबसे बड़ा फायदा सुबह भाई, पूरी जिम अपनी है, खाली बड़ी खाली। कुछ बोल लो सुबह भाई, ज्ञान दो भाई। ज्ञान तो दो कुछ, जो मर्जी वो करो भाई। अरे ज्ञान तो दो, लाइफ का ज्ञान। अरे लाइफ का ज्ञान नहीं यार, लाइफ का ज्ञान तो धनोल्टी चल रही है ना, हम धनोल्टी चल रहा है अभी इसके बाद हम जाएंगे धनोल्टी, क्योंकि बर्फ पड़ चुकी है, बताया था। जिम के बाद एक पीनट का 10 वाला पैकेट खा लिया, चावल ले लिए, चने भिगा रखे थे रात भिगाए थे, तो अभी बनाऊंगा चने चावल जाके। आज सिर्फ झाड़ू मारूंगा कपड़े नहीं धोने का, क्योंकि बारिश नहीं रुक रही, धोगे कोई फ़ायदा नहीं होने का, डालने के लिए जगह नहीं होने की, कपड़े सूख नहीं पानेंगे। गाइस मज़ा तो उसी दिन आता है जिस दिन धूप होती है बाहर, अभी बारिश में तुम कहीं जा भी नहीं सकते, मतलब सैड सैड सा फील करते हैं हम बारिश के अंदर, और धूप में बढ़िया रहता है भाई, सनी डे रहता है, घूम फिरो मजे लो, इधर उधर बकचोदी काटो दोस्तों के साथ, दैट्स इट। तो गाइस अभी मैं अपने कपड़े तय कर रहा हूँ और धोने वाले कपड़े डाल दूँगा, कल देखता है, कल अगर मौसम अच्छा हुआ तो कल धुल देंगे। भाई एक बात और थी, ज्ञान बेलना ही पड़ेगा मुझे अपना फालतू का, जब भी तो फेमस होऊंगा। व्लॉग क्यों नहीं देखते पहले तुम ये बताओ, तुम लोग व्लॉग क्यों नहीं देखते, फालतू की बातें कर रहा वैसे तो मैं। लेकिन एक बात है, एक पोस्ट थी उसमें लिखा था इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ गर्लफ्रेंड टॉक टू गर्ल्स, लेकिन भाई सही बात बताऊँ, लड़कियाँ क्या लड़कों से बात करने का मन भी नहीं करता भाई,
पहले किसी बंदे से दोस्ती करो, मतलब नए लोगों से बात करने का मन नहीं करता वो, जो है पुराने वाले यही सही है। नए लोग नहीं चाहिए, वही है ट्रस्ट इशू। मैं क्यों करूं किसी पर भरोसा, क्या करके खाया उसने मेरे लिए या मैंने उसके लिए, मतलब मौका ही नहीं देना ब्रो, अब तो मौका ही नहीं देना। अपने में खुश रहो भाई, ये है चार पांच दोस्त है, शाम को घूम लेता हूँ दोस्तों के साथ, लेकिन भाई इम्प्रूव करना है मुझे, इम्प्रूव अपना मतलब माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो गया मेरा, पता नहीं क्यों भाई। फोर्थ ईयर में आ गया यार, कुछ तो सोचना पड़ेगा, मैंने अभी तक तो कुछ सोचा ही नहीं। इतने सारे कपड़े हो रहे ना, पहनता ना कुछ नहीं, पहन लूंगा वही चार लोवर वही चार टी शर्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। अरे पता नहीं कहाँ ले जाऊंगा इतने सारे कपड़े, दान कर दूंगा मैं तो सोच रहा, किसी को दे दूं, लेकिन फिर मन भी नहीं करता देने का, कपड़े अपने कपड़े हैं भाई, एक बार ही बस सारे कपड़े उठा लूं भाई। ये रख दिया हमने अब तक बर्तन, चने बना रहा, चने सबसे पहले डाल लिया हमने ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम डाल लेंगे इसमें थोड़े से मसाले, गरम मसाले जो कि मेरे पास कल बच गए थे। फिर डाल लेंगे हम थोड़ा सा जीरा, अभी हमारा बर्तन है ना वो गर्म हो रहा है इसलिए मैं सारी चीजें ले ले डाल रहा। फिर डाल लेंगे हम अपनी चॉप करी हुई प्याज, फिर इसे हम कर देंगे सॉटे, फिर हम इसमें ला देंगे करछी, फिर जाएंगे इसमें हमारे टमाटर, टमाटर जाते ही जलेगा, इसमें नमक, नमक ज्यादा ही डालना, थोड़ा सा ही डालना मतलब आपके टेस्ट के अनुसार, फिर हिला देना आपको बर्तन। बर्तन हिलाने के बाद आपको डाल देने इसमें मसाले, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी टर्मरिक, हल्दी। लॉ में तो गलत एडमिशन ले रखा मैंने, हूँ मैं बावर्ची, और हमारा सीक्रेट मसाला किचन किंग। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे चनों वाला ही, फिर निकलेगा धुआं, फिर हिला देंगे हम बर्तन। इसके बाद डाल देंगे हम इसमें चने, चने डालने के बाद इसमें गिर देंगे हम थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें कम लग रहा पानी, पानी डाल दिया। बस इसमें लगा देंगे सिट्टी, हो गए हमारे चने तैयार। खाना बनाना आसान ही है, एक बार सीख जाओ हमेशा सीख जाओगे। यहाँ पे मेरे चावल हो गए तैयार, हाथ जल गया भाई, बर्तन बहुत ज्यादा गर्म था, मैं मैंने ध्यान नहीं करा। चावल तैयार हो जाएंगे, इसमें एक दो सिट्टी आ जाएगी, सबल कर देंगे। पहले चने में मैंने 7-8 सिट्टी पहले ही लगा दी थी, 2 सिट्टी फ्लेवर के लिए लगाई है यार, हाथ जल गया थोड़ा सा। हमारा हो गया खाना तैयार, अब मैं खाऊंगा खाना, अब मैं खाऊंगा खाना, इसके बाद मिलते हैं। सो गाइस अभी बज रहे हैं 8, और मैंने खाना खाने के बाद उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ़ोन चलाया, उसके बाद और वो वाली बुक थी ना जो मैं पढ़ रहा था, उसका एक चैप्टर पढ़ा, कौन सा चैप्टर मैं देख लूँ बताता हूँ, वो भी क्या पढ़ा था मैंने, इसमें था डिवाइड एंड कॉन्करर, ये इसका सेकंड चैप्टर है देखो। और इस चैप्टर में समझाते हैं कि अपने गोल को थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन कर दो, जहाँ पहुँचना है ना, और भाई एक दिन में एक ही काम करो जब भी आप कहीं पहुंच पाओगे, और प्रेजेंट में जियो, पास्ट में नहीं, इस बुक के अनुसार। मतलब ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और इसमें ये भी लिखा था कि
लोगों को पता सब कुछ होता है लेकिन वो करते कुछ नहीं, समझ रहे हो ना। अगर आपको सक्सेस की तरफ जाना है तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। एक दिन में सक्सेस अचीव नहीं होनेगी इस बुक के अनुसार, और रियलिटी में भी होता है। यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर गोल्स टू अचीव सक्सेस इन योर फ्यूचर। कितनी बड़ी लाइन बोल दी। और अभी मैं बनाने वाला हूँ अपना खाना, रात का खाना, जिसमें कि बनाऊंगा मैं सोयाबीन, जिसमें कि होता है प्रोटीन। 10 रुपए के पैकेट में आती है 40 ग्राम सोयाबीन, उसमें क्या होता है 10 रुपए की सोयाबीन 40 ग्राम, 40 ग्राम होता है उसके, 40 ग्राम उसके अंदर सर्विंग होती है, उसके अंदर मिलता है मैं अराउंड 20-25 ग्राम प्रोटीन। भाई मुझे एक चीज़ का पता नहीं कि मैंने टोपी क्यों लगा रखी, मैं रूम के अंदर हूँ, हवा कोई चल नहीं रही है, आलू गिर गया था ब्रो। जाते हैं सोयाबीन, लाइट खोलो, सोयाबीन खा लो, बटन निकाल लो। सोयाबीन हमने डाल ली, इसमें डाल लेंगे हम पानी। इसे चढ़ा देंगे हम गैस पे, इसमें लगाएंगे, सिक्के तो लगने की नहीं, इसमें उबाल लेंगे बस इधर। करता है सो गाइस, अभी मैं बना रहा हूँ अपनी रोटी, कैमरा इधर लगाता हूँ, ये रोटी मैं इधर साइड से बनाता हूँ। डानी मैं दिख रहा हूँगा कि नहीं, दिख नहीं रहूंगा। अब बन रही है मेरी रोटी भाई, सारा काम खुद ही करना पड़ता है, मेहनत इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बनती नहीं है यार। घर का तो सारा काम आता है मेरे पे, रोटी मैं बना लेता हूँ, खाना तो मैं बना ही लेता हूँ, साफ सफाई भी कर लेता मैं, भेड़ थोड़े ना हूँ मैं। आपस में बंदा किससे बोल रहा है तो समझ नहीं आता, इसलिए मैं आज कैमरा खोल रहा है, रोज खुद से बोलता हूँ, खुद ही को अपनी बातें बताता हूँ, आज तुम्हें बताऊंगा। ये सेशन मैं लंबा खींच सकता हूँ जितने, मुझे एक टॉपिक दे दो कि भाई इस पर इतनी देर बोलना, मतलब प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं, जैसे तुमने भाई आईपीसी की धारा 302 पूछ ली, जो कि अब चेंज हो चुकी, 302 पहले मर्डर थी, अब तो कोई और हो चुकी मुझे पता नहीं, लेकिन कल इस ब्लॉग में मैं बताऊंगा आपको कौन सी धारा कहाँ हुई, यही वाली तो बता ही दूंगा मर्डर वाली। लोगों को लग रहा होगा सेंसलेस बातें कर रहा हूँ, सेंसलेस बातें भाई, फ्री टाइम में बंदा और क्या कर रहा है, फ्री टाइम तो नहीं है, टाइम इज़ वेरी कीमती। आजकल मैं देख रहा हूँ कि मेरे इतने भी सारे दोस्त हैं भाई, करियर की टेंशन ले लेंगे, क्योंकि हम भाई अभी तो भैया 4th ईयर में, इसके बाद 1 साल कॉलेज और है, कॉलेज में तो ऐसा खास कुछ उखाड़ा नहीं मैंने, रोटी तैयार होगी मेरी, ये चढ़ा दी मैंने, बाजू ऊपर करना था भाई। आते हो तो बारिश लेते आना, बंदा ना रात को, दिन में तो चलो टाइम कट जा, लेकिन रात को तो बंदा परेशान सा ही हो जा, क्या करे क्या ना करे। अभी ध्रुव आया था थोड़ी देर, वो बातचीत कर गया, बातचीत क्या करेगा, फोन चला रहा था बैठा आया, जो काम वो अपने घर कर सकता है वो गया, फोन तो मैं भी चला रहा। लेकिन भाई करियर की टेंशन थी, उसे भी करियर की टेंशन थी, कैरियर की टेंशन, कैरियर या करियर जो भी आपके घर पे जो भी बोला जाता हो। और भाई सीरियसली लौंडे तो रहे नहीं हम छोटी उम्र के, मतलब है तो लौंडे, लेकिन घर बार देखना, 10 चीजें हैं, ऐसा तो चलने का नहीं है ना। अभी मैं इतनी सीरियस बातें कर रहा, सुबह फिर वही बकचोदी, लोग सोचते होंगे केला बड़बड़ा रहा, पता नहीं क्यों, मतलब जो आसपास के पड़ोसी पड़ोस वाले लोग, नीचे वाले लोग, जिनके यहाँ किराए वगैरह, बात केला बंदा बोलता नहीं ना, जिनके
इनके अंदर बंदा चुप भी कैसे रहे, बातचीत तो ये है। तो मैं अब बना लेता हूँ खाना, सीरियसली थोड़ी देर गाने सुन लेता हूँ, फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। सोयाबीन रोटी और सुबह के चने जो बचे रहते वो रहे, ऐसे खाते हैं, फिर मिलते हैं। भाई गलती से सब्जी में मेरे से लाल मिर्च ज़्यादा गिर गई, हालत ख़राब होगी। थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा पानी पी, थोड़ा पानी पीता हूँ अभी। सो गाइस जब तुम्हारा भाई जा रहा है बर्तन धोने, तुम्हारा भाई क्या तुम्हारा रिश्तेदार तुम, अब मैं जा रहा हूँ बर्तन धोने भाई। लेकिन भाई मिर्ची ने हालत ख़राब कर दी थी, मिर्ची ने हालत ख़राब कर दी थी। लाइट बंद कर दूँ, बिजली बचाओ। सो गाइस आज का दिन करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। अब करेंगे हम आपसे कल बात। अभी मैं थोड़ा सा दूध पीऊँगा, फिर वो जो मेरी बुक है वो पढ़ूँगा, मेरे पेपर आ रहे हैं वो तो मैं पढ़ने वाला नहीं, देखते हैं। आपसे मिलते हैं सुबह, अगर मन करेगा तो कल कैमरा उठेगा, वरना तो नहीं उठेगा। थैंक यू, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको करना हो तो कर दो, वरना भाग जाओ।